मैजिकल फ्लाइंग बैलून। बीजापुर नाम के गांव में नरेश चंद्रा नाम का एक जमींदार रहता था। उसके पास वाले पशुओं की संख्या 200 से भी ज्यादा थी। वो उनके सहारे एक डेयरी फार्म चलाता था। एक एक भैंस एक दिन में 50 लीटर दूध देती थी। उससे इसका धंधा अच्छा चलता था। उसकी एक सुंदर सी बेटी थी, नाम था वेगा। प्रवीण महाराज नाम का एक व्यक्ति उससे शादी करना चाहता था। एक दिन वो इनके घर गया। नमस्ते नरेश चंद्र जी, मेरा नाम प्रवीण महाराज है। मैं पड़ोसी गांव में बैंक में काम करता हूँ। आपकी बेटी हर रोज हमारे बैंक के सामने से गुजरते हुए कॉलेज जाती है। उसकी सुंदरता ने मेरा मन मोह लिया। मैंने उससे बात करना चाहा तो उसने सिर उठाकर भी नहीं देखा। मुझे उसका चाल चलन बहुत अच्छा लगा। पूछने पर पता चला कि वो आपकी बेटी है, तो मैं आपके पास आ गया आपकी बेटी का हाथ मांगने। आप अपना फैसला सुनाइए। क्या तुम बैंक एम्प्लॉय हो? तुम कमाते कितना हो? 30,000 होगा। क्या तुम जानते हो कि इस आसपास के इलाकों के भैंसों से हमारी भैंसे कितनी ज्यादा दूध देती हैं? क्या तुम्हें पता है कि मैं कितना कमाता हूँ? एक दिन में मैं 3 लाख रुपए से ज्यादा कमाता हूँ केवल दूध बेचकर। वैसे क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे बैंक में सबसे ज्यादा रिचेस्ट कस्टमर का खाता किसका है? मेरा है। और तुम मेरे घर आकर मेरी बेटी के हाथ मांगते हो? अरे, रिश्ता मांगने आने से पहले अपनी हैसियत और अगले की हैसियत पता लगाना जरूरी है। क्या तुम ये नहीं जानते? यूं प्रवीण महाराज का अपमान करके उसे भेज दिया। अपमान ना सहकर प्रवीण ने नरेश चंद्रा को सबक सिखाने की ठान ली। उसने अपनी सारी संपत्ति बेचकर उन पैसों को मुन्ना नाम के व्यक्ति को देकर नरेश चंद्रा के घर पशुओं खरीदने के लिए भेज दिया। मुन्ना नरेश चंद्र के पास आया। हाय, आई एम मुन्ना द ग्रेट बिजनेसमैन। मैं आपके सारे पशुओं को खरीदने आया हूँ और यहाँ इंटरनेशनल डेयरी फार्म लगाना चाहता हूँ। तो ये लीजिए ब्लैंक चेक। आप अपना रकम भर दीजिए और उन भैंसों को मुझे सौंप दीजिए। ठीक है? नरेश चंद्र गुस्से में आकर मुन्ना को एक पेड़ से बांध दिया और उसे पीटते हुए, क्यों, तू किस गांव का बिजनेसमैन है? तेरी ये हिम्मत कि तू नरेश चंद्रा को ही ब्लैंक चेक देता है? निकम्मे, तू मेरा डेयरी फार्म खरीदना चाहता है? कहकर उसे मारने लगा। अरे अरे नरेश चंद्र जी, मुझे छोड़ दीजिए प्लीज, मुझे ना मारिए। मैं तो एक साधारण एक्टर हूँ। वो प्रवीण महाराज ने मुझे ऐसा एक्ट करने के लिए कहा था और मैं यहाँ आ गया। अब प्लीज प्लीज, कहकर विनती करने लगा। तब दिल मिलाता हुआ नरेश चंद्र बैंक में गया और प्रवीण महाराज को पकड़कर, क्यों प्रवीण महाराज, नाम के महाराज और काम भिखारी का, तुमने क्या समझा? अरे तुम हो कौन और तुम्हारी हैसियत क्या है? तुम मेरी डेयरी फार्म खरीदने के लिए आदमी भेजते हो? तुम्हारी ये हिम्मत, बदमाश, कहकर उसने बैंक में सबके सामने पटक पटक कर मारने लगा। बाद में मैनेजर से बात करने लगा। मैनेजर, मैं नहीं जानता कि आप क्या करोगे। इसे तुरंत नौकरी से निकाल देना होगा, वरना मैं अपना अकाउंट इस बैंक में अभी बंद करता हूँ, कहकर उसे चेतावनी दिया। मैनेजर ने उसे तुरंत नौकरी से बर्खास्त किया। नौकरी चले जाने पर प्रवीण बिल्कुल गुस्से में आ गया और उसमें बदले की भावना जाग उठी। अब क्या करना है? बहुत सोचने के बाद उसे एक उपाय सूझा। वो एक बैलून वाले के पास गया और उससे 1 लाख रुपए के गैस बैलून खरीद कर वो सीधा नरेश चंद्र के फार्म के पास गया और वहाँ सारे भैंसों को उसने बैलून बांधे। वो एक एक करके सारे भैंस हवा में उड़ने लगे। उन्हें देख कर लोग हे हे कहकर चिल्लाने लगे। ये क्या हंगामा हो रहा है? देखने के लिए बाहर आए नरेश चंद्र का दिमाग घूम गया। अपने भैंसों को यूं हवा में उड़ते हुए देखकर उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और उस सदमे के कारण वो एकदम बुत्सा बैठ गया और कोमा में चला गया। उसका परीक्षण करने के बाद इनको ठीक करना हो तो फिर से वैसे भैंस लाकर उन्हें दिखाना होगा। भैंसों को उठा ले जाकर प्रवीण महाराज पड़ोसी राज्य में अपना नाम और हुलिया बदलकर डेयरी चलाते हुए खुश रहने लगा। वैसे ही भैंसों की तलाश में निकले नरेश की बेटी और रिश्तेदार ढूंढते ढूंढते पड़ोसी राज्य में उसके पास पहुंच गए। वहां पर उन्हें जब पता चला कि डेयरी फार्म है तो वह प्रवीण के पास आए। नमस्ते जी, हमारे जीजा जी के पास बिल्कुल आप ही की तरह बहुत सारे भैंस थे, पर हाल ही में सब कुछ खत्म हो गया। हमें आपके भैंस चाहिए, कहकर उसे जो हुआ सब बताया। सच कहा, आपकी बातें सुनकर मुझे भी दुख हो रहा है, पर अपने भैंस उन्हें देने के लिए क्या मैं उनका दामाद हूँ? आप ही कोई निर्णय लीजिए। तब सब रिश्तेदारों ने मिलकर सोच विचार कर, ये लड़की वेगा है,
नरेश चंद्र जी की बेटी, आप इनसे शादी कर लीजिए तो दहेज में ये आपको अपनी सारी जमींदारी दे देंगे, आप अपने बहन से हमें दे दीजिए। कहते ही प्रवीण ने यूं माना मानो वो ऐसा अपना मन मार कर कर रहा हो। रिश्तेदार सब खुश हुए, वेगा और प्रवीण महाराज की शादी हुई। हुलिया बदला हुआ प्रवीण, अब इन भैंसों को ले कैसे जाएं? इसमें कौन सी बड़ी बात है, तब भैंसों को बेलून बांध के उड़ा के लेके गए थे, तो अब भी भैंसों को बेलून से बांध के उड़ाते हैं। गुड आइडिया कहकर सब ने भैंस को बेलून से बांधा और उड़ाया। वो नरेश चंद्र के घर के पास आकर उतरे, पर उनके अम्बा आवाज सुनते ही नरेश चंद्र होश में आया, पर पुरानी बातें भूल चुका था। सामने खड़े प्रवीण महाराज और अपनी बेटी को देखकर, ये दोनों कौन हैं? ये आपके बेटी और दामाद हैं, आप इन्हीं के बदौलत फिर से जी उठे हैं। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद दामाद जी, कहकर उस दिन से वो बेटी और दामाद के साथ खुशी खुशी रहने लगे। सेमिया। एक गाँव में विपिन नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो बचपन से ही बड़ा ढीठ था, वो किसी पर भी भरोसा नहीं करता था, किसी भी बात को जब तक खुद ना जांच ले वो भरोसा नहीं करता था। विपिन की पत्नी का नाम था दीपिका। उसे विपिन की रोज रोज की हरकतों से दिमाग खराब हो रहा था। एक दिन एक दूध वाला भैंस लेकर वहां आया। क्यों भाई, आज तो तुम भैंस ही लेकर आ गए? नहीं तो क्या साहब, आप हर रोज दूध में कोई मीटर लगाकर इसमें 20% पानी है, इसमें 30% पानी है कहकर पैसे काट कर देते हैं। आज मैं अपनी ईमानदारी को साबित करने आया हूँ, आपके आँखों के सामने ही मैं दूध धोकर दूंगा, आज हर हाल में आपसे पूरे पैसे लेकर ही जाऊंगा। चलो ठीक है, ये भी देख लेते हैं। उसने दूध धोया और बर्तन को विपिन को दिया। विपिन ने एक मीटर लेकर दूध में रखा। इसमें 10% पानी मिला हुआ है। ये क्या, आपके आंखों के सामने ही तो दूध धोया था ना, अब पानी कहाँ मिलाया? अरे तुमने दूध में पानी नहीं मिलाया होगा, पर घर पर तुमने इसे बहुत सारा पानी पिलाया होगा, है ना? अगर भैंस को बहुत पानी पिलाया हो तो उसे बाहर निकालने का रास्ता तो और है ना साहब? ये सब मैं कुछ नहीं जानता, ये लो 10% पानी का काट कर बाकी पैसे। वो ये सोचकर वहां से चला गया कि इस जन्म में तो इससे पूरे पैसे नहीं ले पाऊंगा। एक और दिन एक इलेक्ट्रिशियन ने आकर फैन रिपेयर किया। वो विपिन से, सर फैन रिपेयर हो गया है, पैसे देंगे तो मैं चलता हूँ। विपिन ऊपर देखकर, फैन अच्छी तरह घूमेगी ना? एकदम झकास घूमेगी सर, देखिए मस्त हवा आ रही है। भाई पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि तुमने पंखे ठीक से नहीं फिट किया, हवा ठीक से नहीं आ रही है। क्या बात करते हैं सर, यहाँ तो ठंड लग रही है। अच्छा तो ठहरो, तुम्हारा और फैन का एक टेस्ट करता हूँ, अगर तुम वो पास हो गए तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, कहकर अंदर गया। विपिन एक लोटे में पानी लाकर उसके सिर पर डाला। अगर तुम्हारे बाल 10 मिनट में सूख गए तो मैं समझूंगा कि ये फैन रिपेयर हो गया। नहीं सूखा तो मतलब ये है कि तुमने उसको रिपेयर ठीक से नहीं किया, वो परेशान हो गया। विपिन टाइम देखने लगा। ठीक 10 मिनट के बाद उसके सिर पर हाथ रखकर देखा और ना 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 ना, बाल सूखे नहीं भाई, तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, जाओ। वो मन ही मन उसे गाली देते हुए चला गया। दीपिका ने सिर पकड़ लिया। एक दिन दीपिका ने विपिन को सेमिया के खीर बनाकर दिया। इसमें गुड़ कितना डाला है तुम जानती हो ना, कि ज्यादा मीठा हो तो मुझे पसंद नहीं है। जानती हूँ, जरा खा कर तो देखिए, आपको पता चल जाएगा। मैं ये रिस्क नहीं उठा सकता, रुको बिना खाए ही इसको टेस्ट करता हूँ, कहकर उस खीर को गुड़ की दुकान पर ले गया। यहाँ क्यों लाए हो? देखती जाओ, कहकर उसे गुड़ की डली के पास रखा। मक्खियाँ गुड़ की डली से उठकर खीर पे जाकर बैठी। विपिन मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर मक्खियों की संख्या गिनने लगा। देखा, तुम्हारे खीर के ऊपर 56 मक्खियाँ बैठी हैं, यानी तुमने ज्यादा गुड़ डाला है। अरे धत, तुम जैसे नक्षड़े इंसान से शादी करने के लिए मुझे अपने जूते से मानना चाहिए, कहकर वहाँ से चली गयी। एक और दिन दीपिका ने सेमिया उपमा बनाया, उसे विपिन को देकर, अरे अब ये तो मीठा नहीं है, अब इसमें क्या चेक करोगे आप? विपिन ने उसको सूंघा।
मुझे शक है कि इसमें नॉन वेज मिलाया हुआ है। तो जानती ही हो कि मैं पक्का वेजिटेरियन हूँ। अरे मैं भी तो वेजिटेरियन हूँ, अपने घर में मांस कौन लेके आता है? अरे ना ना, मैं ये नहीं कहता कि तुमने मिलाया है, हो सकता है कि जिस फैक्ट्री में सेवियां बनता है वहाँ मिलाया होगा। तो इसे कैसे टेस्ट करोगे? थोड़ी देर के लिए सोचने लगा। हाँ एक आइडिया है, ये सेवियां बिल्कुल केंचुए की तरह दिखते हैं ना, इन्हें कांटे में डालकर मछली पकड़ते हैं। अगर इसमें नॉनवेज मिला हो तो मछली बंसी में फंसेगी, क्या कहती हो? मैं क्या कहूँगी, सब मेरी किस्मत है, यही कहूँगी। यूं वे एक खेत के पास गए, उस सेमिया को एक कांटे में फंसाया, उसे पानी में रखा। थोड़ी देर बाद यूं लगा कि उस बंसी को किसी ने खींचा हो, लगता है कि मछली फंसी है, यकीनन ये नॉनवेज सेमिया ही है। तभी एक बड़ा मगरमच्छ मुंह खोला और उनके पास आया। दोनों डरकर बाप रे मगरमच्छ कहकर चिल्लाने लगे। वो उनके तरफ मुंह खोलकर बढ़ने लगा। अरे ये हमें जिंदा निकल जाएगा, भागना चाहता हूँ पर पांव जमीन पे धरे के धरे ही रह गए। तभी दीपिका को एक उपाय सूझा, उसने तुरंत अपने पास बचा सेमिया उपमा उस मगरमच्छ के मुंह में डाल दिया। मगरमच्छ उसे खाकर खुश होकर पानी में चली गई। विपिन ने चैन की सांस ली। तुम्हारे इस पागलपन की वजह से आज मौत के दरवाजे तक जाकर लौटे। कम से कम अब से ही ये नक्षड़े बर्ताव को छोड़ दो, नहीं तो मैं मायके चली जाऊंगी। मुझे अकल आ गई है, अब मैं जिंदगी में किसी भी चीज पर शक नहीं करूंगा। चलो घर चलते हैं, प्लम्बर अपनी प्रतीक्षा कर रहा होगा। दीपिका उसे शक की निगाहों से देखने लगी।